हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट 30 क्वेश्चंस। 30 से आगे जो क्वेश्चन पूछे गए थे जेएमएलटी के एग्जाम में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 के बाद 31st जो क्वेश्चन अपना, वो था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज नॉट यूज्ड फॉर रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेन यूज नहीं होती? ऑप्शंस हैं न्यू मिथाइलिन ब्लू, ब्रिलियंट क्रिजाइल ब्लू, एजोर बी या फिर क्रिस्टल वॉयलेट। तो रेटिकुलोसाइट्स के लिए जो हम स्टेन यूज करते हैं, वो वाइटल स्टेन या फिर सुपरा वाइटल स्टेन यूज हम करते हैं। और इनमें से जो पहली तीन स्टेन है, न्यू मिथाइलिन ब्लू, ब्रिलियंट क्रिजाइल ब्लू और एजोर बी या प्योरिफाइड एजोर बी, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? सुपरा वाइटल स्टेन के। तो क्रिस्टल वॉयलेट को छोड़कर बाकी क्या है? सभी ऐसी स्टेन है जो कि हम रेटिकुलोसाइट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्रिस्टल वॉयलेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो किससे बनता है? क्या वो पाइरूवेट से बनता है, एसिटाइल को से बनता है, एसिटाइल को ए से बनता है, लैक्टेट से या फिर एच एम जी को ए से बनता है? तो जो कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है एसिटाइल को ए से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। जो एच एम जी को ए है, वो भी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है किसका? फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रोल, मतलब कि इस प्रोसेस के बीच में बनता है। लेकिन जो कोलेस्ट्रोल सिंथेसाइज होता है, वो एक्चुअल में किससे सिंथेसाइज होता है? एसिटाइल को से स्टार्ट होता है। तो बी आंसर इसका सही रहेगा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बफर्स। बफर्स से रिलेटेड ये यहाँ पे चार स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से पूछा है कौन सी सही नहीं है, नॉट ट्रू। तो पहला ऑप्शन है बोरिक एसिड बफर कवर्स एसिडिक रेंजेस। उसके बाद है फॉस्फेट बफर कवर्स न्यूट्रल रेंजेस। नेक्स्ट दिया गया है, ए बफर इज फॉर्म्ड ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। और चौथा ऑप्शन दिया गया था कि बफर एक्ट इफिशियंटली व्हेन बोथ एसिड एंड इट्स साल्ट्स आर प्रेजेंट इन इक्वल कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन सी से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन सी जो डेफिनेशन बताएगी बफर की, वो बिल्कुल ठीक है कि जो बफर होता है उसमें एक तो वीक एसिड होता है और उसका साल्ट मिलाया जाता है। और बफर होता क्या है? बफर ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि पीएच को चेंज होने से रोकता है, पीएच चेंज को रजिस्ट करता है, उसको हम बफर बोलते हैं। तो सी स्टेटमेंट इसकी सही है कि इसमें वीक एसिड और उसका साल्ट पाया जाता है। ऑप्शन डी भी सही है कि एक बफर अच्छे तरीके से काम जब करेगा जब एसिड की और उसके साल्ट की कंसंट्रेशन लगभग क्या रहे, इक्वल रहे। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी फॉस्फेट बफर जो है वो अराउंड न्यूट्रल रेंज ही वर्क करता है, तो ये ऑप्शन भी हम क्या मानेंगे, सही मानेंगे। लेकिन जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बोरिक एसिड है वो एसिडिक रेंज कवर नहीं करता, वो कौन सी रेंज कवर करता है, एल्केलाइन रेंज कवर करता है। ये शायद 9 के आसपास पीएच पर काम करता है, एग्जैक्ट आप चेक कर लेना। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए बोरिक एसिड जो है वो एसिडिक रेंज कवर ना करके कौन सी कवर करता है, एल्केलाइन रेंज कवर करता है। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विंट्रोब एंड वेस्टर्न ग्रेन मेथड आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। विंट्रोब और वेस्टर्न ग्रेन मेथड जो है वो हम क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं, पीसीवी, ईएसआर, प्लेटलेट काउंट या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो ईएसआर जो है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं किससे, इन दोनों मेथड से, विंट्रोब और वेस्टरग्रीन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पस सेल्स आर लिस्ट इफिशियंट फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अगर हमको बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है किससे, पस सेल से, तो इनमें से कौन सी पस जाए जो कि लिस्ट इफिशियंट मानी जाएंगी, मतलब कि कम से कम सही कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, स्वैब पहला है ऑप्शन, स्वैब दूसरा है पस इन स्टेरलाइज्ड क्लोज कंटेनर, ऑप्शन सी है पस इन कैपिलरीज और ऑप्शन डी है पस विद ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए, स्वैब।
रूटीन में हम स्वैब यूज करते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये लिस्ट एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि जो पस होती है, जो पस स्वैब में ली जाती है, उसका डिसएडवांटेज क्या है? देखो यहाँ पे ये कॉनमैन बुक का आपके लिए रेफरेंस है, कॉनमैन बुक जो कि जानी मानी बुक है माइक्रो की, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो स्वैब है वो हम कल्चर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जनरली क्या है, इनफीरियर है। इनफीरियर मतलब कि लोअर कैटेगरी की है, अगर हम इनको कंपेयर करें दूसरे मेथड से। दूसरे मेथड क्या हो सकते हैं, एस्पिरेट हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि जो स्वैब है उसका यूज नहीं करना चाहिए कब, जबकि पॉसिबल हो और अपने पास क्या हो, पस का या तो एस्पिरेट हो या फिर टीशू अवेलेबल हो डायरेक्ट पस को लेने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। एक यहाँ पे ये भी बता रखा है कि जो स्वैब के अंदर कॉटन होता है उसके अंदर फैटी एसिड्स हो सकते हैं और साथ ही साथ कैल्शियम एल्जिनेट भी हो सकता है, जो कि टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को रिलीज कर सकता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा। और हमको क्या करना है, यहाँ पे बैक्टीरियल एग्जामिनेशन ही करना है। तो इस वजह से मैं जो मानता हूं कि स्वैब जो है वो क्या है, लिस्ट इफिशियंट सोर्स ऑफ सोर्स या फिर सैंपल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ पस सेल्स फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल फंक्शंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए स्वैब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल फिक्सेटिव फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड लिपिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया और लिपिड्स के लिए आइडियल फिक्सेटिव कौन सा है, क्या वो पोटेशियम परमैंगनेट है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है, 10% फॉर्मेलिन है या फिर जैंकर फ्लूइड है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी ओस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है ये एक आइडियल फिक्सेटिव है फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर बेनेडिक्ट टेस्ट। जो बेनेडिक्ट टेस्ट है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा? तो जो बेनेडिक्ट टेस्ट है, जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग शुगर के लिए। किसके लिए, रिड्यूसिंग शुगर के लिए यूज करते हैं। तो इस ऑप्शन में ऐसी शुगर हमको ढूंढनी है जो कि नॉन रिड्यूसिंग नेचर की है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर वाला ही रहेगा। ऑप्शन क्या है, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। और इन सभी ऑप्शंस में से जो सुक्रोज है वो क्या है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो सुक्रोज क्या करेगी, बेनेडिक्ट टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देगी, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं सुक्रोज के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है, ओकल्ट ब्लड इन यूरिन कैन बी डिटेक्टेड बाय। जो ओकल्ट ब्लड है यूरिन में उसको हम इनमें से कौन से टेस्ट का यूज करके डिटेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन है बेंजाल्डिहाइड टेस्ट, ऑप्शन सेकंड है अर्लिच टेस्ट, ऑप्शन सी है बेंजिनी टेस्ट और डी है रोथराज टेस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो बेंजिनी टेस्ट है वो हम ओकल्ट ब्लड इन यूरिन के लिए यूज करते हैं। तो बेंजिनी टेस्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिमेनिंग सैंपल ऑफ ब्लड शुड बी डिस्पोज्ड इन। अगर लैब में कोई भी सैंपल बच जाता है तो उसको हम कहां पर डिस्कार्ड करेंगे? ऑप्शन है क्या, वाटर में, अल्कोहल में, हाइपोक्लोराइड में या फिर फॉर्मेलिन में? तो हम जो सैंपल बचेगा उसको डिस्कार्ड करेंगे हाइपोक्लोराइड में, जो कि एक डिसइंफेक्टेंट होता है। तो ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर इसके लिए। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया दैट ग्रो इन कंडीशंस हैविंग 5-10% कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है या फिर किस टाइप के बैक्टीरिया है जिनको 5-10% ऑफ CO2 चाहिए ग्रो करने के लिए? ऑप्शंस हैं मीजोफिलिक बैक्टीरिया, कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया, एनरोबिक बैक्टीरिया या फिर सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया या सेप्रोफाइट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जो कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया आते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको CO2 की कंसंट्रेशन 5-10% चाहिए होती है फॉर देयर ग्रोथ। तो कैप्नोफिलिक इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ऑल पैरामीटर्स गिवन बाय ऑटोमेटेड सेल काउंटर कैन बी कैलकुलेटेड मैनुअली एक्सेप्ट। मतलब कि जो भी पैरामीटर ऑटोमेटेड सेल काउंटर देता है उन सभी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो कौन सा है, MCV, MCH, प्लेटलेट काउंट या फिर RDW?
इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो रहेगा RDW। RDW की फुल फॉर्म क्या है? रेड रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो जो RDW है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, MCV, MCS और प्लेटलेट को हम मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो RDW इसके लिए क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। नीचे दी गई चारों कंडीशन में से एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट काउंट डिक्रीज नहीं डिक्रीज हो, मतलब तीन में डिक्रीज होगा एक में नहीं होगा। तो देखते हैं किसमें डिक्रीज नहीं होगा ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है क्लंपिंग ऑफ प्लेटलेट, ऑप्शन बी है फ्रेगमेंट्स ऑफ आरबीसी सेल्स आर काउंटेड एज प्लेटलेट्स बाय ऑटोमेटेड सेल काउंटर, ऑप्शन सी है जेंट प्लेटलेट काउंट एज आरबीसी और ऑप्शन डी है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो देखो हमको देखना है कि किसमें डिक्रीज नहीं होगी प्लेटलेट। पहला है क्लंपिंग ऑफ प्लेटलेट, अगर क्लंपिंग ऑफ प्लेटलेट होगी तो वहां पर सीधी सी बात है प्लेटलेट यूज हो जाएंगी या फिर चार पांच प्लेटलेट जो है वो क्या करेंगी एक साथ जुड़ जाएंगी और उनको डिटेक्ट करना क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर एक प्लेटलेट का एग्रीगेशन बना हुआ है, क्लंप अगर बना हुआ है, उसको ऑटोमेटिक एनालाइजर जो है वो क्या करेगा या तो एक किसी दूसरी टाइप की सेल की तरह काउंट कर लेगा या फिर एक सिंगल सेल की तरह ही काउंट करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे सेल कितनी थी, छह, काउंट कितनी होगी एक, या फिर हो सकता है एक भी काउंट ना हो, तो यहाँ पे क्या होगा प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, फ्रेगमेंट्स ऑफ आरबीसी सेल आर काउंटेड एज प्लेटलेट। देखो मान लेते कोई आरबीसी है और वो टूट के दो या चार फ्रेगमेंट बना देती है और मशीन क्या करे इन चारों को अलग अलग ये बोल दे कि ये तो चार प्लेटलेट है लेकिन वो एक्चुअल में क्या थी, एक आरबीसी थी। तो इस कंडीशन में सेल काउंटर क्या करेगा, प्लेटलेट काउंट को ज्यादा दिखाएगा, इंक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट हमको देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी जेंट प्लेटलेट्स काउंटेड एज आरबीसी, तो इसमें भी क्या होगा प्लेटलेट काउंट कम होगा क्योंकि अपना जो काउंटर है वो क्या कर रहा है प्लेटलेट्स को भी आरबीसी की तरह काउंट कर रहा है, तो प्लेटलेट काउंट क्या होगा कम होगा। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, अगर ब्लड क्लोट हो रहा है तो वहां पे क्या होगी प्लेटलेट यूज हो जाएंगी और प्लेटलेट यूज अगर होगी तो उनकी काउंट क्या आएगा कम आएगा। तो ऑप्शन बी जो है अकेला ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज मिलेगा, डिक्रीज नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन IgM कैप्चर इलाइजा प्लेट्स आर कोटेड विद, जब भी इलाइजा परफॉर्म करते हैं कौन सा IgM कैप्चर इलाइजा, तो उसमें हम जो इलाइजा प्लेट्स है उसको किसके साथ कोट करते हैं। ऑप्शंस हैं एंटी IgM, एंटीजन, IgM या फिर IgG। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा एंटी IgM। क्या होता है जो इलाइजा प्लेट है उसको हम काउंट जो कोट करते हैं वो किसके साथ करते हैं, एंटी IgM के साथ कोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आवर बॉडी गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स एट, हमारी बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज होता है कि हम बोलते हैं क्या करते हैं हम ऑक्सीजन को तो इनटेक करते हैं और CO2 को क्या करते हैं बाहर छोड़ देते हैं। तो ये एक्सचेंज हो रहा है ये किस लेवल पर होता है, क्या ये एल्वियोलर लेवल पे होता है, ब्रोंकिया में होता है, ट्रेकिया में होता है या फिर फेरिंक्स में ही हो जाता है। तो जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है लंग्स में। लंग्स में भी कहां पर होगा, एल्वियोलाई में होगा, कहां पे होगा एल्वियोलाई जो होते हैं वहां पर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, एल्वियोलर लेवल रहेगा, हमारे लंग्स में एल्वियोलाई जो है वहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है ना कि ट्रेकिया ब्रोंकिया और फेरिंग्स में। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है स्पूटम सैंपल इज एफिशिएंट फॉर टेस्टिंग इफ इट कंटेन्स, मतलब कि कोई भी स्पूटम सैंपल हम ले रहे हैं उसको हम एफिशिएंट बोलेंगे, मतलब कि हम ठीक जांच करें स्पूटम ही है वो। तो ऐसा कैसे पता चलेगा उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्या उसके अंदर एल्वियोलर मैक्रोफाज मिलेंगे, ट्रेकियल सेल मिलेंगे, कोलुमनर एपिथेलियम लेयर्स मिलेंगे या फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेंगे। तो देखो जो स्पूटम है, स्पूटम बनता है लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट में या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट है उनमें। तो लोअर जो है, लोअर किसका बना होता है अपने पास, एल्वियोलाई का। तो एल्वियोलर लेवल पे जब हम जाएंगे तो वहां पर स्पूटम के अंदर क्या मिलनी चाहिए, एल्वियोलर मैक्रोफाज मिलनी चाहिए।
अगर हम देखें स्पूटम सैंपल को, तो हम उसको एफिशिएंट तब बोलेंगे जब उसके अंदर एल्यूलर मैक्रोफाज हैं। यहाँ पर रूल कौन सा होता है, देखो जब भी हम कोई सैंपल इनटेक करते हैं, जब भी हम सैंपल कलेक्शन करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे हमने सही लिया है या नहीं लिया, चाहे वो साइटोलॉजी का हो चाहे किसी भी अपने इस्टोपैथ का हो। तो अगर मान लेते हैं एफएनएससी का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमने कोई भी सैंपल ले लिया, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमने करेक्ट साइड से सैंपल ले लिया। तो करेक्ट साइड से सैंपल लेने का मतलब ये है, अगर वो सही लिया है तो वहां पर सेल्स देखने को मिलेगी, कौन सी सेल्स ऑफ साइट, मतलब कि जिस साइट से हमने सैंपल को लिया है वहां पर जो सेल प्रेजेंट है वो सेल हमको सैंपल में मिलनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो जो सैंपल लिया है वो इफिशियंट है टेस्ट करने के लिए। मतलब कि हमने अपनी तरफ से जो सैंपल लिया था वो एकदम से परफेक्ट है, लेकिन अगर उसी सैंपल में सेल्स ऑफ साइट प्रेजेंट नहीं है तो ऐसा हो सकता है हमने क्या किया, सैंपल गलत जगह से ले लिया है और वो टेस्टिंग के लिए एफिशिएंट नहीं है। तो स्पूटम की एफिशिएंट को एफिशिएंट तब मानेंगे जब स्पूटम के अंदर क्या हो, एल्वियोलर मैक्रोफाज प्रेजेंट हो। तो ऑप्शन ए सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऐसी कुछ स्टेटमेंट थी, एग्जैक्ट ऑप्शन मेरे को भी नहीं याद, लेकिन इसमें जो राइट आंसर था वो था आईजीए जो है वो म्यूकोजल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, और ये बात क्या थी, सही थी। बाकी जो स्टेटमेंट दी गई थी वो गलत स्टेटमेंट थी। यहाँ पे जो मैंने ऐड की है उसमें मैंने ऐड किया है आईजी इज मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी इन ह्यूमन ब्लड, नहीं, क्योंकि आईजीजी होती है जो मोस्ट अबंडेंट होती है। IgG cannot cross placenta, नहीं, IgG ही एक ऐसी एंटीबॉडी है जो placenta को क्रॉस करती है। Mast cells are activated by IgA which increase in allergic reaction, यहाँ पे क्या होता है, mast cell को कौन एक्टिवेट करता है, IgE करती है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऐसा था कि वो IgA जो है वो mucosal immunity प्रोवाइड करवाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, human body parts are discarded इन, जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम इनमें से किस बैग के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। ऑप्शंस है रेड बैग, ब्लू बैग, येलो बैग या फिर ब्लैक बैग। तो ह्यूमन बॉडी पार्ट अगर पूछ लिया तो वो क्या आएगा, येलो बैग में हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। एनाटॉमिकल वेस्ट जो भी रहेगा वो हम येलो बैग में ही डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम into squamous epithelium is known as, columnar epithelium जब convert होते हैं squamous epithelium में तो इस process को क्या बोलते हैं, hyperplasia, metaplasia, neoplasia या फिर anemia। तो इस तरह का जो conversion है columnar epithelium से squamous epithelium के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं metaplasia। option B इसके लिए क्या रहेगा, सही answer रहेगा। Next है, the reaction of a particle या फिर इनसोल्युबल एंटीजन विद इट्स एंटीबॉडी इज नोन एज, अगर कोई भी इनसोल्युबल एंटीजन है और उसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, उसकी एंटीबॉडी के साथ, तो उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन। तो इनसोल्युबल एंटीजन अगर पूछा है, इनसोल्युबल एंटीजन अगर पूछा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन बी एग्लूटिनेशन आएगा। और एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन में डिफरेंस सोल्यूबल और इनसोल्यूबल का ही देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, एग्लूटिनेशन रहेगा। नेक्स्ट है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट है वो हम इनमें से किसके लिए यूज करते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस को डायग्नोज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद है 51 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट, कैपिलरी टेस्ट या फिर कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा है वो टेस्ट, क्या वो हे टेस्ट है, रोथराज टेस्ट है, हेज टेस्ट है या फिर एल्डिहाइड टेस्ट। तो कैपिलरी टेस्ट या फिर कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है वो होता है हेज टेस्ट। तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर इज यूज्ड टू डायग्नोज ल्यूकीमिया, ऑप्शंस एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, लेकिन ल्यूकीमिया को डायग्नोज करने के लिए कौन सा मार्कर हम यूज कर सकते हैं। तो इनमें से शायद CD6 ये 34 था जो ऑप्शन में था,
और ये एक ऐसा पैरामीटर है या ऐसा मार्कर है जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, एएमएल के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं ये क्या है, हिमेटोपोइटिक सेल के लिए, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के लिए क्या है, मार्कर है। बाकी जो ऑप्शन डाले गए थे वो क्या थे, नॉर्मल सेल्स पर पाए जाने वाले सीडी मार्कर के थे। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, जिससे हम अक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया को डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मार्कर फॉर पेन टी सेल, जो पेन टी सेल्स हैं उनके लिए इनमें से कौन सा मार्कर है, CD2, CD3, CD19 या फिर CD34। तो पेन टी के लिए जो है वो क्या रहेगा, CD3 रहेगा। पेन टी के लिए क्या रहेगा, CD3 रहेगा। और जो CD19 है वो किसके लिए रहता है, पेन बी के लिए। तो पेन बी का भी आपको याद रखना है, पेन बी के लिए कौन सा रहता है, CD19, और पेन टी सेल के लिए कौन सा रहेगा, CD3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियरिंग एजेंट के ऊपर, कि जो क्लियरिंग एजेंट है वो कैसा होना चाहिए। क्लियरिंग एजेंट शुड बी इन एक्सपेंसिव, मिजिबल विद डिहाइड्रेशन एंड इनफिल्ट्रेशन सोल्यूशन, सोल्यूशन विद पुअर पेनिट्रेशन पावर, या फिर टॉक्सिक सोल्यूशन। तो जो क्लियरिंग एजेंट होता है वो डिहाइड्रेशन एजेंट और इनफिल्ट्रेशन सॉल्यूशन के साथ मिजिबल होना चाहिए। ये बी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन यूज्ड डीकैल्सिफाइंग एजेंट इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में हम सबसे ज्यादा कॉमन जो है डीकैल्सिफाइंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं, ओस्मियम एसिड, ओस्मिक एसिड, पिक्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर पाइरिक एसिड। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड है वो हम मोस्ट कॉमन यूज करते हैं एज ए डीकैल्सिफाइंग एजेंट। नेक्स्ट है सेक्स क्रोमेटिन कैन बी इफिशियंटली स्टडीड फ्रॉम, अगर हमको सेक्स क्रोमेटिन की स्टडी करनी है तो हम इनमें से क्या यूज करेंगे, क्या हम सैंपल फ्रॉम वेजाइना यूज करेंगे, सलाइवा यूज करेंगे, बक्कल स्मीयर यूज करेंगे या फिर सर्वाइकल स्मीयर यूज करेंगे। तो सेक्स क्रोमेटिन या फिर बार बॉडी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी क्या रहेगा, बक्कल स्मीयर इसका आंसर रहेगा। बक्कल स्मीयर से हम क्या करते हैं, सेक्स क्रोमेटिन और बार बॉडी को एफिशिएंटली स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बायोसेफ्टी कैबिनेट इज यूज्ड ड्यूरिंग वर्किंग विद इबोला वायरस। बायोसेफ्टी कैबिनेट कौन सा लेवल है बायोसेफ्टी कैबिनेट का, जो हम इबोला वायरस के लिए यूज करते हैं। देखो अगर यहाँ पे कैबिनेट ना पूछकर कंटेमिनेंट लेवल पूछा होता है, कंटेमिनेंट लेवल, तो वो लेवल रहता है इसका 4, लेवल 4। लेकिन जो बायोसेफ्टी कैबिनेट हम पढ़ते हैं वो तीन पढ़ते हैं, 1, 2 और 3। और जो जो बायोसेफ्टी कैबिनेट 3 है वो हम ग्रुप 4 वाले ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं। इबोला वायरस किसके अंदर आता है, ग्रुप 4 के लिए, लेवल 4 कंटेमिनेट का एक एग्जाम्पल है। और लेवल 4 वालों के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, टाइप 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बायोसेफ्टी कैबिनेट लेवल 3, लेवल 3 वाला हम इबोला के लिए यूज करते हैं। कंटेमिनेट लेवल पूछा होता तो लेवल 4 रहता। तो सही आंसर क्या रहेगा, बायोसेफ्टी कैबिनेट लेवल 3। नेक्स्ट है स्टेप फॉलोइंग फिक्सेशन इज, फिक्सेशन के बाद कौन सा स्टेप किया जाता है अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी प्रोसेसिंग की। तो ऑप्शंस दिए गए हैं डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेगनेशन, इम्बेडिंग। तो फिक्सेशन के बाद हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन का स्टेप करते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, डिहाइड्रेशन रहेगा। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, क्या वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, क्या वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, या डीएनए लाइगेज है, या फिर किसी वायरस का न्यूक्लिक एसिड है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, देखो ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। अगर हम बात करें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो क्या रहेगी, उल्टा हो जाएगा इसका मतलब, कि यहाँ पे क्या बनेगा, आरएनए से डीएनए बनेगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से क्या बनाना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कहाँ यूज होता है, आरएनए से डीएनए बनाने के लिए। तो आरएनए से डीएनए कौन बनाएगा, डीएनए अगर बनना है तो एंजाइम कौन सा आएगा, डीएनए पॉलीमरेज।
और डीएनए पॉलीमरेज है डिपेंडेंट किसके ऊपर है आरएनए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर इज कॉमन इन पर्सन वर्किंग विद, ऐसे कौन से पर्सन है, मतलब कि वो ऐसे पर्सन जो कि काम करते हैं, इनमें से किसके साथ काम करते हैं जिनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर कॉमन मिलती है। तो मेट क्या वो मेटल्स के साथ काम करने वाले होते हैं या एस्बेस्टोस के साथ, एनिलीन डाई या फिर डस्ट के साथ। तो ऐसे पर्सन जो कि एनिलीन डाई के साथ वर्किंग होते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनके अंदर कॉमन होती है कौन सी टाइप की कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, एनिलीन डाई रहेगा। तो ये थे अपने 31 से लेकर 60 एमसीक्यूज। अगर कोई भी डाउट है यहां तक या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 61 से लेकर 80 तक एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।